हेलो एवरीवन, वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चंबा। अगर आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लोगे, चाहे वो HAS का हो या कोई भी एग्जाम हो, 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट से पूछे जाते हैं। लास्ट ईयर भी HAS में 2-3 क्वेश्चन जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट से पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, चंबा डिस्ट्रिक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश जब बना था, अगर मैं बात करूं 15 अप्रैल 1948 की, तो उस टाइम पे जो हिमाचल प्रदेश जो 30 रियासतों को, छोटी बड़ी रियासतों को बना के जो है मिला करके हिमाचल प्रदेश बना था। और उस टाइम पे जो हिमाचल प्रदेश के 4 डिस्ट्रिक्ट थे। तो आपको ये याद रखना क्यों चंबा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर मैं डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट था चंबा, सेकंड वन वाज, दूसरी अगर मैं बात करूं तो दूसरा मंडी था, दूसरा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश का। अगर मैं थर्ड बात करूं तो ये महासू था। महासू, अगर मैं बात करूं महासू की, महासू जो बना था वो सोलन और शिमला को बनाकर बनता है महासू। इसके अलावा अगर लास्ट में फोर्थ डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो वो था सिरमौर। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस करके, और यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे रियासतों की बात हो, डिस्ट्रिक्ट्स की बात हो, कोई भी बात हो, तो यहाँ से। और उस टाइम पे अगर मैं बात करूँ 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का एरिया कितना था, ये भी पूछ लिया जाता है। तो उस टाइम पे जो हिमाचल प्रदेश का एरिया था वो था 27,108 स्क्वेयर किलोमीटर। ये आपको याद रखना है, ये भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है और बहुत बार पूछा जा चुका है कि हिमाचल प्रदेश का एरिया कितना था 1948 में। तो उस टाइम पे ये था 27,108। अगर मैं बात करूं पॉपुलेशन कितनी थी, हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या कितनी थी उस टाइम पे, तो हिमाचल प्रदेश की 1948 में जो है 9,35,000, ये हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन थी 1948 में। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो इस करके अब हम बात करते हैं चंबा डिस्ट्रिक्ट की। चंबा क्यों जरूरी, आपको पता चल गया। चंबा के बारे में अगर मैं बात करूं सबसे पहले, तो चंबा डिस्ट्रिक्ट का जिक्र कौन से, अब एक क्वेश्चन लास्ट ईयर 2019 में पूछा गया था कि किन्नरों का उल्लेख जो वो कौन सी पुस्तक में किया गया था। अब ऑप्शंस देके रखे गए थे, उसमें ऑप्शन थे कलहण की राजतरंगिणी, या फिर पणिनी की अष्टाध्यायी, काली दास की रघुवंश, या विशाखादत्त की मुद्राक्ष। तो इसका जो आंसर था वो था कालिदास की रघुवंश। इसका जो उल्लेख था वो था कालिदास की रघुवंश में इसका उल्लेख किया गया था, ये बुक है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ये HAS में ट्रेंडिंग है कि ये जो चंबा है, चंबा का वर्णन कौन सी बुक में किया है और किसने किया है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए चंबा के बारे में। अगर मैं बात करूं तो चंबा का अगर आपको याद रखना है तो ये कलहण की राजतरंगिणी बुक जो है उसमें जो है ये जिक्र किया गया है चंबा डिस्ट्रिक्ट के बारे में। तो ये बुक जो हमें चंबा के बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में बताती है। अब अगर मैं फ्रेंड्स बात करूं चंबा की, चंबा रियासत की स्थापना कब हुई थी, मैं चंबा डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, चंबा रियासत की बात कर रहा हूँ। रियासत की अगर मैं बात करूं तो चंबा रियासत की जो स्थापना थी वो 550 ईस्वी में हुई थी। और ये किसने की थी, ये अयोध्या से आए थे सूर्यवंश राजा मारू, ये आपने याद रखना है। तो ये आपको याद रखना, अयोध्या से आए सूर्यवंशी राजा मारू ने जो है चंबा रियासत की स्थापना की थी 550 ईस्वी में। और उसने जो अपनी राजधानी की अगर मैं बात करूं, जो उसकी कैपिटल थी, तो वो उसने ब्रह्मपुर को बनाया, ये याद रखना आपको, ब्रह्मपुर, जिसका अभी जो नया नाम है वो भरमौर है। तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है HAS के एग्जाम में, मोस्टली हायर एग्जाम्स में, कि ब्रह्मपुर का पुराना नाम क्या था या ब्रह्मपुर का नया नाम क्या है। तो आपको ये याद रखना, भरमौर को कैपिटल बनाई जिसका नाम उस वक्त ब्रह्मपुर था। और एक और चीज आपको फ्रेंड्स जो याद रखनी है, चंबा को जो है बने हुए 1000 साल हो चुके हैं। चंबा जो रियासत थी या डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो इसे 1000 साल हो चुके हैं बने हुए। तो आपको ये याद रखना, ये क्वेश्चन जो है HAS में एक बार 2017 में पूछा गया था। तो फ्रेंड्स इसके अलावा अगर मैं बात करूं चंबा रियासत के जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली राजा थे वो कौन रहे हैं, ये जो आपको नाम याद रखना है शक्तिशाली राजा का, तो ये जो शक्तिशाली राजा रहे हैं चंबा रियासत के वो थे मेरु वर्मन। और ये जो है 680 ईस्वी में जो है
चंबा के राजा बने। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कुल्लू के राजा दातवेश्वर पाल को कुल्लू में जाकर के हराया था, और ये जो चंबा की सीमा थी वो कुल्लू तक पहुंचा दी थी। तो इसीलिए जो है ये सबसे ज्यादा पावरफुल रहे, इन्होंने अपनी जो बाउंड्री थी चंबा की वो कुल्लू तक फैलाई थी। तो इन्होंने जो हराया था वो हराया था कुल्लू के राजा दातेश्वर पाल को। ये आपको याद रखना क्योंकि ये पूछा जाता है। और ये जो सीमा थी चंबा की ये कुल्लू तक पहुंचाई थी इन्होंने। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मेरू वर्मन की, अगर मैं बात करूं तो इन्होंने जो है वो मणिमहेश मंदिर बनवाया है। ये भी आपको याद रखना है, पूछ लिया जाता है कि मणिमहेश मंदिर किसने बनवाया था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं लक्षणा देवी मंदिर, ये भी जो है इन्होंने ही बनवाया था। और इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट छतराड़ी का जो एक मंदिर है छतराड़ी में, वो भी इन्होंने ही बनवाया था। तो ये आपको मेरू वर्मन के बारे में याद रखना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एक और चीज है, गुग्गा शिल्पी। गुग्गा शिल्पी ये जो इनका मुख्य शिल्पकार था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है और ये बहुत बार पूछा जाता है और कई बार पता नहीं होता आंसर का। तो ये जो गुग्गा शिल्पी था, ये जो इनका मुख्य शिल्पी था। इसके अलावा अगर फ्रेंड्स मैं बात करूं चंबा रियासत के, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंबा रियासत में सबसे पहले वर्मन नाम किसने यूज किया था। वर्मन उपाधि फर्स्ट टाइम किसने यूज की थी। तो आपको ये याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, ये अलाइड के एग्जाम में भी पूछा जाता है कि ये जो है फर्स्ट टाइम उपाधि किसने ली थी। तो आदित्य वर्मन, ये नाम आपको याद रखना है कि ये जो आदित्य वर्मन है इन्होंने फर्स्ट टाइम जो है यूज किया था वर्मन सरनेम। ये जो उपाधि ली थी ये इन्होंने ली थी आदित्य वर्मन ने। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये जो आज मैं बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, पॉइंट टू पॉइंट 50 से 55 क्वेश्चन मेरे कवर करने हैं आज की वीडियो में। और मैं एक और वीडियो शायद चंबा पे लाऊंगा, ये सिर्फ आज हिस्ट्री पे ही है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ फ्रेंड्स, इसके बाद जो है मेरु वर्मन के बाद जो बने चंबा के राजा वो थे लक्ष्मी वर्मन। लक्ष्मी वर्मन के टाइम पे अगर मैं बात करूं 820 में, जैसे अभी कोरोना वायरस फैल रहा है उसी टाइम पे हिमाचल डिस्ट्रिक्ट चंबा में हेजा बीमारी, हो सकता है ये क्वेश्चन इस बार किसी न किसी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि हेजा बीमारी कौन से डिस्ट्रिक्ट में फैली थी या कब फैली थी। तो ये 1820 ईस्वी में फैली थी चंबा डिस्ट्रिक्ट में। उस टाइम पे जो राजा थे वो लक्ष्मी वर्मन थे। तो ये बहुत ज्यादा फैल चुकी थी और कोरोना वायरस की तरह ये भी फैली थी। तो ये आपको याद रखना। और इसके अलावा जो है लक्ष्मी वर्मन के टाइम पे जो है तिब्बत ने अटैक कर दिया था, तिब्बत ने आक्रमण कर दिया था चंबा पे, और जिससे चंबा जो है इस पे जो कब्जा रहा वो तिब्बत का रहा। इसके बाद जो है कुल्लू के राजा ने हेल्प की थी जारेश्वर पाल, आपको ये नाम याद रखना है जारेश्वर पाल, इनकी मदद से वापस फिर चंबा जो था वो इंडिपेंडेंट हुआ था। तो लक्ष्मी वर्मन के बारे में आपको सिर्फ ये चीजें याद रखनी कि इनके टाइम पे तिब्बत ने अटैक किया था चंबा में, 820 ईस्वी में चंबा में हेजा बीमारी फैली थी, और जारेश्वर पाल जो कि कुल्लू के राजा थे उन्होंने हेल्प की थी तिब्बत से इनको फ्री करने में। तो इसके अलावा फ्रेंड्स अब अगर मैं बात करूं लक्ष्मी वर्मन के बाद जो चंबा के राजा बने थे वो बने थे इनके बेटे मुसान वर्मा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। अब तिब्बत के अटैक के बाद जो है लक्ष्मी वर्मन की डेथ हो जाती है, तो उनकी जो रानी है वो भाग जाती है यहां से और किसी पेड़ के नीचे एक बच्चे को पैदा करती है, वो जन्म देती है, और उस बच्चे की जो देखभाल है वो याद रखना है चूहे करते हैं, चूहों ने जो है देखभाल करते हैं वो मुसान वर्मा की। तो ये जब राजा बनते हैं ना तो ये चूहे मारने पे बैन लगा देते हैं। चूहे मारने पर प्रतिबंध कौन लगाता है, ये क्वेश्चन अलाइड सर्विसेज में बहुत बार पूछा गया है। तो ये जो लगाया था, ये लगाया था मुसान वर्मा ने। और इन्होंने जो शादी की थी, ये शादी इन्होंने की थी सुकेत के राजा की बेटी के साथ, इनकी जो सुकेत की रानी थी उनके साथ जो इन्होंने शादी की थी। उसके बाद जो सुकेत के राजा थे उनकी मदद से ये तीसा वाली साइड से आकर के इन्होंने चंबा पे अटैक किया और फिर तिब्बतियों से ये फ्री हुए थे। तो इस करके चंबा फिर इंडिपेंडेंट हुआ था तिब्बतियों से। तो फ्रेंड्स इसके अलावा अगर मैं बात करूं अब साहिल वर्मन की, ये आपको पता होगा साहिल वर्मन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चंबा डिस्ट्रिक्ट करते हो यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। साहिल वर्मन ये जो है 920 ईस्वी में चंबा
रियासत के राजा बने और इसी टाइम पे इन्होंने चंबा शहर की खोज की, स्थापना की। ये क्वेश्चन सबसे पहले आपको याद रखना है, चंबा शहर की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी साहिल वर्मन ने, और कब की थी? 920 ईस्वी में की थी। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं साहिल वर्मन के बारे में बात करूं, तो इनके जो थे 10 पुत्र थे और एक पुत्री थी, 10 लड़के और एक लड़की थी, और उस लड़की का जो नाम था चंपावती था, और इस चंपावती के नाम पे ही ये डिस्ट्रिक्ट का नाम चंबा पड़ा है। ये भी आपको याद रखना है। और ये जो इनके, एक और चीज मैं यहाँ पे बता देता हूँ, कोरिलेट आपको करना है, इनके जो साधु जो गुरु थे ना, गुरु की अगर मैं बात करूं, वो योगी चरपटनाथ थे। ये आपको याद रखना है, योगी चरपटनाथ। तो ये इन्हीं का वरदान था कि इनको जो है 10 पुत्र होंगे और एक पुत्री होगी, तो उसी पुत्री के नाम पे नाम पड़ा चंबा इनका। और इसके अलावा अगर मैं साहिल वर्मन के बारे में कुछ और बात करूं, इनकी जो पत्नी थी, इनकी जो बीवी थी, इतनी अगर पत्नी की मैं बात करूं, नैना देवी, इन्होंने जो था वो अपने प्राणों का बलिदान दिया था। आपको ये याद रखना, इन्होंने जो अपने प्राणों का बलिदान दिया था, क्यों दिया था? क्योंकि चंबा शहर में पानी की किल्लत आ गई थी, तो इस करके इन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया था। और इनकी याद में एक मेला मनाया जाता है, सुई मेला। और ये भी पूछ लिया जाता है कि सुई मेला कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है चंबा में। और किनकी याद में मनाया जाता है? नैना देवी की, जो कि पत्नी होती है साहिल वर्मन की, और वो बलिदान देती है अपने प्राणों का चंबा में पानी के लिए, देती है वो बलिदान। और सुई मेले की अगर मैं बात करूं, तो ये अप्रैल मंथ में मनाया जाता है, तो अभी लास्ट मंथ ही मनाया गया। जो भी एग्जाम आएगा, कोई ना क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। और ये सुई मेला है ना, यहाँ पे जो मेल नहीं जाते हैं, पुरुषों का जाना अलाउड नहीं है, ये मेला जो है वो महिलाओं और बच्चों के लिए होता है। ये भी आपको यहाँ से याद रखना कि ये जो मेला है वो महिलाओं और बच्चों के लिए मनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और यहाँ से क्वेश्चन वाइज आप अगर देखो तो कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा मैं अगर बात करूं इनके बेटे युगांकर वर्मा, युगांकर वर्मन की अगर मैं बात करूं, तो इन्होंने जो है चंबा में तांबे की मुद्रा इन्होंने चलाई थी, तांबे की मुद्रा चकली। लास्ट ईयर एचएस में पूछा गया था चकली के बारे में, ये कौन सी मुद्रा है, तो ये जो तांबे की मुद्रा चकली है, इसे किस राजा ने चलाया था? युगांकर वर्मन ने। और ये जो साहिल वर्मन के बेटे थे। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं अगर बात करूं साहिल वर्मन की, तो इन्होंने जो है चंबा में लक्ष्मी नारायण मंदिर बनवाया था, लक्ष्मी नारायण मंदिर। और ये पूछा जाता है कि लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ पे है, तो ये चंबा में है। और इस मंदिर से आपको एक और चीज याद रखनी है, ये जो मंदिर है ये 6 मंदिरों का समूह है, ये जो मंदिर है ये 6 मंदिरों का समूह है, ये चीज आपको याद रखनी है, और ये पूछी जाती है। इसके अलावा साव में कामेश्वर मंदिर इन्होंने बनाया, और भी बहुत सारे मंदिर है, लेकिन मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, तो ये भी जो है मंदिर इन्होंने ही बनवाया था। और फ्रेंड्स, अब अगर मैं बात करूं साहिल वर्मन के टाइम पे ही जो है वैष्णव धर्म जो है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, वैष्णव धर्म, ये जो है वैष्णव धर्म चंबा का राजकीय धर्म बन गया था। और ये कब बना था? ये बना था साहिल वर्मन के टाइम पे। चंबा का राजकीय धर्म अभी भी अगर पूछ लिया जाए तो वो वैष्णव धर्म है, जो कि चंबा का राजकीय धर्म है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं चंबा डिस्ट्रिक्ट में कौन से राजा ने अपने नाम के साथ सिंह नाम की उपाधि लगाना स्टार्ट कर दिया था। चंबा के सारे जो है वो वर्मन थे, लेकिन ऐसे कौन थे जिन्होंने अपने नाम के साथ सिंह लगाना स्टार्ट कर दिया? वो थे गणेश सिंह, गणेश सिंह वर्मन। तो ये आपको याद रखना, जैसे वर्मन किसने यूज किया था फर्स्ट टाइम, वैसे ही पूछ लिया जाता है गणेश सिंह किसने यूज किया था। तो ये जो सिंह यूज किया था, ये यूज किया था गणेश वर्मन ने। फ्रेंड्स, इसके अलावा अब हम बात करते हैं धलोक युद्ध की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है धलोक युद्ध। एक तो ये किन किन के बीच में हुआ था? ये हुआ था चंबा के राजा के बीच में, चंबा के राजा और कांगड़ा के राजा के बीच में। ये जो युद्ध होता है ये कब होता है, ये भी पूछ लिया जाता है, डेट कब हुई थी। तो ये जो युद्ध होता है ये हुआ था 1622 ईस्वी में, ये युद्ध हुआ था जिसमें चंबा के राजा जनार्दन और कांगड़ा के राजा जगत सिंह, इन दोनों के बीच में ये युद्ध होता है। तो इस युद्ध में जो है जनार्दन को जो है वो मार देते हैं जगत सिंह, और 20 साल तक जो है
चंबा जो है कांगड़ा के अंडर रहता है। तो आपको ये याद रखना है धलोक युद्ध के बारे में। मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, कुछ भी पूछ लिया जा सकता है। ये युद्ध कब हुआ था? 1622 में हुआ था। किन के बीच में हुआ था? चंबा के राजा और कांगड़ा के राजा कौन थे? जनार्दन और जगत सिंह। और 20 साल तक जो थे फिर कांगड़ा के अंडर रहना पड़ा चंबा को। ये चीजें आपको याद रखनी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है और पूछी जाती हैं। मैं सीधा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर मैं बात करूं 1678 की, उस टाइम पे जो हिमाचल चंबा के जो राजा थे वो चतर सिंह थे। और यहाँ से आपको एक चीज याद रखनी है, चतर सिंह जो थे ये अधीन थे औरंगजेब के, ये आपको याद रखना है। तो 1678 में इन्होंने औरंगजेब का एक फरमान आया था कि सभी मंदिरों को नष्ट कर दो, तो इसे मानने से उन्होंने इनकार कर दिया था। ये क्वेश्चन आप अगर देखोगे कम से कम भी 2000 से लेके 2020 तक 7 से 8 बार रिपीट हो चुका है। तो आपको ये याद रखना, चाहे पुलिस कांस्टेबल से लेकर के हायर एग्जाम्स एचएएस के अलावा हिमाचल प्रदेश के कोई भी एग्जाम्स होते हैं एचपी पीएससी के, तो वो पूछा जाता है। तो औरंगजेब के जो मंदिर को तोड़ने का फरमान था उसको जो इनकार किया था वो किया था चतर सिंह ने। चतर सिंह के अलावा अगर मैं बात करूं अब उम्मेद सिंह की, उम्मेद सिंह ये 1746 में राजा बने थे, 1740 के आसपास ये राजा बने थे चंबा के। तो इनके जो एक पुत्र था, पुत्र का जन्म जो था वो हुआ था राजनगर में, राजनगर में। और इन्होंने राजनगर में बना दिया नाडा महल। ये नाडा महल कहाँ पे है? चंबा में। चंबा में अगर पूछ ले कहाँ पे? राजनगर में। और ये नाडा महल किसने बनवाया था? उम्मेद सिंह ने बनवाया था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं चंबा का जो रंग महल है, रंग महल था ये भी जो बनवाया वो उम्मेद सिंह ने बनवाया है। हालांकि कंप्लीट इसे राज सिंह ने करवाया था, लेकिन बनवाया जो है राज सिंह इनके बेटे होते हैं जो फिर कंप्लीट करते हैं, लेकिन ये जो बनवाया रंग महल वो बनवाया था उम्मेद सिंह ने। अब मैं इसके अलावा बात करूं अगर भूरी सिंह की, जो कि 1904 में, भूरी सिंह 1904 में ये राजा बनते हैं हिमाचल प्रदेश के। पहले ये कमांडर होते हैं चंबा के, सूबेदार होते हैं। उसके बाद 1906 में और 1904 में ये राजा बनते हैं। और याद रखना आपको कि 1906 में इन्हें नाइटवुड का स्टेटस मिलता है, नाइटवुड दैट इज KCIS, ये अंग्रेजों की तरफ से इनको उपाधि दी जाती है नाइटहुड की। इसके अलावा अगर मैं बात करूं 1908 में जो है भूरी सिंह म्यूजियम बनवाया था इन्होंने, भूरी सिंह म्यूजियम कहाँ पे है? चंबा में। किसने बनवाया? भूरी सिंह ने खुद बनवाया था। और ये कब बना था? 1908 में। और यहाँ पे 36 सिक्के भी रखे गए हैं अपोलो डॉट्स के, अगर मैं हिमाचल की हिस्ट्री में जाऊं, लेकिन वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसके अलावा मैं बात करूं 1910 पहला बिजली घर बनाया गया था चंबा में, और ये हिमाचल प्रदेश का फर्स्ट होता है जो 1910 में बनता है। बात करते हैं चंबा के लास्ट राजा की, लास्ट रूरल जो थे चंबा रियासत के वो थे लक्ष्मण सिंह, जो कि 1935 में राजा बने। तो इसके बाद जो 15 अप्रैल 1948 में हिमाचल प्रदेश के साथ मिलाया गया इसे चंबा डिस्ट्रिक्ट को, और इसे चंबा डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस दिया गया फ्रेंड्स। इसके अलावा मैं लास्ट में अगर बात करूं, एक बुक आपको याद रखनी है, मुकतसर तारीख रियासत चंबा, ये जो बुक है ये किसने लिखी है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, मोस्टली ये अलाइड में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन बुक्स के बारे में। तो ये जो बुक लिखी थी वो गरीब खान ने लिखी थी, और ये जो बुक थी वो चंबा रियासत के ऊपर थी, मुकतसर तारीख रियासत चंबा, गरीब खान इस बुक के ऑथर थे। सो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अब दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं, जिसमें हम चंबा को पूरा कंप्लीट कर देंगे, प्रेजेंट की चीजें डाल देंगे, चंबा का कल्चर, करंट स्टेटस क्या है, इसकी कितनी तहसील सब डिविजन और कितनी लेजिस्लेटिव सीट्स हैं। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।